16 अगस्त को सेमस कर्मी से आंख में मिर्ची झोंककर 5,28,000 की लूट करने वाले एक अभियुक्त को रामगढ़ताल की पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है तथा लूट के 1,48,000 रुपए बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से इंदिरा नगर कॉलोनी से पैटलेगंज की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने जब इन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया जिसमें मोटरसाइकिल चालक के पैर में गोली लगने से जख्मी होकर वहीं गिर गया तथा पीछे बैठा उसका साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल व्यक्ति ने अपना नाम सिकंदर निषाद, पुत्र छोटेलाल निषाद, निवासी कजाकपुर रामपुर थाना रामगढ़ताल तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम विजय कुमार निवासी दक्षिणी बेतिहाता थाना रामगढ़ताल बताया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सिकंदर के पास से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, लूट के 1,48,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, कौन सी वाली है? 16 तारीख वाली मिर्चा किस तरह का था आपने? अच्छा, और पीछे कौन बैठा था तुमसे? तुम बीच में बैठे थे या गाड़ी चला रहे थे? फिर गाड़ी कौन चला रहा था? अच्छा, गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी थी। अच्छा, कितने रुपए की किलो? 5,000 अच्छा ठीक है। आज थाना रामगढ़ ताल में सुबह अपराधी का पीछा करते हुए अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी है। जो अपराधी है उसका नाम सिकंदर है। उसने पूछताछ में बताया कि वह रामगढ़ ताल में 16 तारीख को हुई लूट की घटना में शामिल था। अपराधी के पास से एक तमंचा, लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और करीब 1.5 लाख रुपया मिला है। जो उसका साथी है दूसरा, वो भागने में कामयाब रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसे इलाज के लिए भेजा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि 16 तारीख को उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना रामगढ़ ताल में कलेक्शन एजेंट की आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट की थी, जिसकी की लूटी गई 1.5 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो आज बरामद हुई है। जो इसके अन्य दो साथी हैं उसकी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन पर मुकदमा दर्ज कर इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।